इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एंड ईएमएफ को इसके सेकंड पार्ट में, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है टर्म क्या, तो जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा कि हम दो ऑब्जेक्ट को अगर आपस में रब करते हैं तो रब करने से एक ऑब्जेक्ट जो है उसके इलेक्ट्रॉन या एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पे आ जाते हैं, है ना। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ठीक है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो नेगेटिव चार्ज है ठीक है, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पार्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहने का मतलब उस एटम पे पूरे के पूरे, जो उस बॉडी पे जिसका वो एटम है ना, उस पे पूरी के पूरी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जितने एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जितने इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे जाएंगे उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंपल सा बात है। तो अब हम बेसिकली क्या किया हमने, जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने दो चीज़ों को रब किया, तो रब किया तो हमने मैकेनिकल फोर्स दिया, फ्रिक्शन किया एक दूसरे को, है ना। तो हमने क्या किया, मैकेनिकल फोर्स दिया उसको, मैकेनिकल फोर्स देने से हीट जनरेट हुई ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हीट जनरेट हुई तो हीट ट्रांसफ़र भी हुई दोनों ऑब्जेक्ट को, तो एक ऑब्जेक्ट के जो एटम हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ गए ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के आए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उस पर पॉजिटिव चार्ज आया और जिस पे गए उस पर नेगेटिव चार्ज आया। तो कहने का मतलब है दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, है ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन डिपेंड करता है चार्ज बॉडी किस तरह की है। अगर सेम चार्ज है दोनों पे तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे ठीक है। तो कहने का मतलब है उनके बीच में हमने जब वर्क किया उससे हमने क्या किया, हमने उनको चार्ज कर दिया सही है, और चार्ज करने के बाद वो कैपेसिटी आ गई कि वो अट्रैक्ट, वो उनके बीच में वो अट्रैक्ट करें या उसको रिपेल करें, है ना। तो कहने का मतलब है ये जो पोटेंशियल है, ये जो हमने उसको जो फोर्स क्रिएट करने की, जो हमने उसको एक तरह से उसको एक ताकत दी या उसकी प्रॉपर्टी हमने उसको बनाया, उस इस तरह की प्रॉपर्टी आई, तो बेसिकली हमने उस पर क्या किया, हमने उस पर कुछ वर्क किया। जब मैकेनिकल एनर्जी दी हमने तो उसका मतलब है हमने वर्क किया। तो वर्क, हम वर्क करना कैसे बोलते हैं कि अगर आप उसको टेक्निकली देखो तो हम क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जैसे साइकिल चला रहे हैं ठीक है, तो हमने अपनी बायो जो बॉडी की जो एनर्जी है उससे हम साइकिल चलाते हैं, बाइसाइकिल चलाते हैं ठीक है, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो बायो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, बायोकेमिकल एनर्जी हमारी बॉडी की ठीक है ना। तो इस तरह से जो वर्क डन होता है उसमें क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र है ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो वो क्या है बेसिकली। और एक और कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाहिए, दूसरे फील्ड का तो लेके नहीं आएगा भाई, कोई चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो या उस पर इलेक्ट्रॉन ला रहे हो ठीक है, किसी से लेके जा रहे हो तो किसी पे ला रहे हो ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कर रहे हो तो उनके बीच में क्या है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी ऐसा होगा सही है, दूर दूरी से तो नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा उनके बीच में तो वो क्या करेंगे, वो चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे ही नहीं है ना। तो अब इसके इन सब चीज़ों को हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में उसको कैसे रखा है उसको समझें। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर सही है। जैसे कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में दो ऑब्जेक्ट को रब करके कर रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे, तो कितनी एनर्जी हमने उसको लगाई, कितनी हमने उसको यूज़ किया, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इन्फिनिटी जो है ये पॉइंट, और एक इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी लेके आ रहे हैं ना, पर वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, इस बात को ध्यान रखना, जो इन्फिनिटी है वो बाहर नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है ठीक, टू दैट पॉइंट। अब जिस पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका हम मेज़र कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है उस पॉइंट पे, अमाउंट ऑफ वर्क, सिंपल सी बात ये है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ठीक है। अब जो चार्ज है वो है ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो टर्म है ठीक है, अब इसको समझो। अब सपोज करो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हैं,
तो पहला यहाँ एक पॉइंट है यहाँ पर इन्फिनिटी, और एक पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर ए है, ठीक है। अब यहाँ से कोई हम पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम चार्ज लेके आए, तो इसको मैं बोल देता हूँ वन कोलाम चार्ज। जो यूनिट चार्ज है यहाँ पर वो वन कोलाम चार्ज ही चलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलाम, है ना। तो ये तो बहुत छोटा हो गया, ठीक। तो अगर हम इसकी इसको लेके कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसा है जैसे कि मोल निकालते हैं ना, 1 मोल इक्वल्स टू समथिंग 6 समथिंग × 10⁻¹, तो इस तरह का है। तो जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें जो उसकी यूनिट है वो बड़ी करनी पड़ती है, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लेके चलें तो यहाँ पर विलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, है ना, एनर्जी ट्रांसफर करने जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसमें बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे भी ज़्यादा, बिलियन ऑफ बिलियन, ठीक। तो उस केस में अब इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने एक जो यूनिट है कोलाम उसको हमने इतना बड़ा कर दिया, तो 1 कोलाम इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज कितने हो गए, 1 / 1.6 × 10⁻¹, ठीक है। अब 1 कोलाम इतनी बड़ी यूनिट है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन, अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब उसका जो चार्ज है 1 कूलम, तो एक चार्ज लाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए जहाँ से हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज ये पॉजिटिव लेके आए, तो इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाले, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस पॉइंट से उधर ट्रांसफर करेंगे इन्फिनिटी में, ठीक है। देखो जो फिजिकल पार्टिकल है वो है हमारा, जो ट्रांसफर होता है इधर उधर वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक। पॉजिटिव चार्ज क्या है, वो तो एटम के अंदर है। तो अगर किसी आप बॉडी कोई बॉडी है तो उसका एटम तो आप रिप्लेस नहीं कर देंगे, है ना, उससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो जैसे उसमें सिंपल सा ये है, अगर यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन गया तो उतना ही एक पॉजिटिव चार्ज इधर आया, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, सही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से इधर भेजूंगा तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। तो सिंपल सा ये है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहे हैं पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो अब इस पे इसको जो चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर भेज रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर ला रहे हैं, बात एक ही हो गई, ठीक है। पर पॉजिटिव चार्ज जो है बेसिकली कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इस बात को समझ लो बस, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुझे इधर से इधर लाने हैं तो मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा, कोई वर्क करना पड़ेगा, सही है। जैसे कि मैंने उसको फ्रिक्शन किया था, रब किया था, ठीक है ना। तो वही जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये बात समझ लो बस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, अच्छा यूनिट हमने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो अभी बस ये इतना यहाँ तक, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज, सही है, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो एक यूनिट की ही बात करेंगे और वो यूनिट है 1 कूलम, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाए जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं या उसको डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी से जो ऊपर लिखा है उसी से रिलेटेड है, इफ डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पर वर्क डन क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो हमने मान लिया कि डब्ल्यू जो है इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू, तो एक यूनिट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो हमने मान लिया कि जो ए चार्ज क्यू है उसको लेके आ रहे हैं फ्रॉम द इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इज गिवन बाई, सही है। तो कितना हुआ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन, सही है, पर यूनिट चार्ज, ठीक, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो डब्ल्यू हमने वर्क डन किया है उस चार्ज को उस पॉइंट से इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए डिवाइड बाई क्यू, सही है। तो डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, अब डब्ल्यू की जो एसआई यूनिट है वर्क डन की वो है जूल, ठीक है। तो वर्क डन को लिखते हैं डब्ल्यू, तो इसकी है यूनिट जूल, और जो हमारा चार्ज है, सही है, उसकी यूनिट है क्यू, वो सॉरी 1 कोलाम,
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट क्या बनी, तो वी इक्वल्स टू ये हो गया, अगर यूनिट की बात करें तो 1 जूल, सही है। तो वर्क डन है, डब्ल्यू है, तो उसकी जो है, अब मुझे इसकी पूरी की यूनिट निकालनी है, बेसिकली वी की यूनिट निकालनी है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम, तो ये बना, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल, 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम इक्वल्स टू 1 जूल, सही है, C^1, ये डिवाइड वाला है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं वी से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 जूल पर कूलम। तो कहने का मतलब है जूल पर कूलम क्या हुआ, इक्वल्स टू वी के, तो वी इक्वल्स टू जो वोल्टेज है, सॉरी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सही है, तो उसकी यूनिट वी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, जूल पर कूलम के। क्लियर है। अब यहाँ पर है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग ए 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन इज ब्रिंग वर्क डन टू ब्रिंग ए 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कितना होगा, 1 वोल्ट। सिंपल है, ठीक। तो 1 जूल वर्क कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज लाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए, तो जो पोटेंशियल बनेगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे हमने चार्ज को लेके आए हैं, जिस पे हमने वर्क किया है, ठीक है, तो वो आएगा 1 वोल्ट, ठीक है, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट। अच्छा, अगर हमने टू जूल वर्क किया है एक किसी चार्ज को लाने के लिए, भाई 2, 3, 4 कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमने टू जूल वर्क डन किया है तो कितना बनेगा, 2 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम, एक चार्ज को लाने के लिए, पर यूनिट चार्ज को लाने के लिए 2 जूल का वर्क किया, तो जो वोल्ट बनेगी यहाँ पर आएगी 2 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा ये रिलेटेड है किसके साथ, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सीधा सीधा रिलेटेड है वर्क डन से, अमाउंट ऑफ वर्क डन से। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे पर यूनिट चार्ज आने के लिए, उतनी ही वोल्टेज आएगी या उतनी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटर टर्म है वोल्टेज के, अगर वोल्टेज बेसिकली क्या है, डिफरेंस है पोटेंशियल्स का, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर, पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव बिकॉज द वर्क डन ऑन द चार्ज बॉडी। अब इसको समझो, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल ले उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन निकले तो उसका मतलब है हमने उसको एनर्जी दी, एनर्जी देने का मतलब है हमने उस पे वर्क किया, ठीक है भाई, एनर्जी जब उसको मिली तभी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो हमने उसको एनर्जी दी, एनर्जी देने का मतलब है हमने उस पे वर्क किया, तो जिस पे वर्क किया उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन गए उसने वर्क को परफॉर्म किया, उसने वर्क किया, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो उस जिसके पास कुछ गेन हुआ वो अलग बात है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, पर गेन पार्टिकल तो उसके पास ही आए, तो कहने का मतलब है उसने उस पे वर्क परफॉर्म किया, ठीक है, तो जो वर्क किया गया वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया जिस पे इलेक्ट्रॉन आए, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आए उस पे नेगेटिव चार्ज, सही है, सिंपल है। तो बिकॉज द वर्क डन यहाँ पर, वाइल द पोटेंशियल ऑफ ए नेगेटिव चार्ज बॉडी इज नेगेटिव बिकॉज द वर्क वर्क इज डन बाय द चार्ज बॉडी, ठीक है, सिंपल सा है। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ एक पॉइंट की, अब यहाँ पर दो पॉइंट हो गए। अब सपोज करो एक पॉइंट है हमारा बी, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर हमारा ए, और इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए, तो एक बार बी पे लेके आए 1 कूलम का चार्ज, तो इसके लिए कुछ वर्क परफॉर्म किया डब्ल्यू बी, और उसी से ही चार्ज लेके आए ए पे, ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो इस पर वर्क परफॉर्म किया डब्ल्यू ए, और चार्ज कितना लेके आए 1 कूलम, और पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आना मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचा देना, तो वो मैंने डिस्कस किया। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना है, ए और बी के बीच का, तो ए और बी बी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे तो वी ए माइनस वी बी, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इक्वल्स टू क्या हुआ, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई जो चार्ज जो ले गया है, तो चार्ज को क्यू लिख लेते हैं, माइनस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई क्यू, ठीक है, तो ये बन गया डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई क्यू,
ठीक, और यूनिट कितनी आएगी, यूनिट वही आएगी जूल पर कूलाम टू द पावर -1, या जम जूल पर कूलाम, या जूल मल्टीप्लाई बाई कूलाम -1, ठीक है, तो ये वोल्ट में ही आएगी यूनिट, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब इसको समझो। यहाँ पर सपोज करो पोटेंशियल है 2 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है 3 वोल्ट, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो वर्क डन हुआ 1 कूलम चार्ज लाने के लिए 2 जूल का हुआ, यहाँ पर वर्क डन हुआ 3 जूल का, सही है। तो बी से अगर कोई मुझे चार्ज 1 कूलम का चार्ज ए तक ले जाना है, तो मुझे कितना कितना उस पर वर्क डन करना पड़ेगा, तो 3 वोल्ट -2V, या तो 1 वोल्ट, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 3 जूल -2 जूल, तो यानी 1 जूल। अगर मैं यहाँ से लेके और यहाँ पर कोई चार्ज लेके आ रहा हूँ ए पे, ठीक है, 1 कूलाम का चार्ज, तो मुझे यहाँ पर वर्क डन जो करना पड़ेगा 1 जूल का करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आप लेके आए कोई वर्क डन करके बी तक, तो डब्ल्यू बी आपने वर्क डन किया, इन्फिनिटी से ए पे लेके आए वहाँ पर वर्क डन आपने डब्ल्यू ए किया। अगर सपोज करो डब्ल्यू ए इक्वल्स टू 3 जूल है या 3 वोल्ट है, डब्ल्यू बी इक्वल्स टू 2 जूल है, सही है। तो जो इन दोनों के बीच में जो वर्क डन का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, 1 जूल, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हुआ, क्योंकि डब्ल्यू ए इधर लेके आए तो इस पॉइंट पे 3 है, क्योंकि 3 जूल का आपने वर्क किया था इसलिए 3 वोल्ट बना। यहाँ से लेके आए आप, ठीक है, यहाँ से हमने 2 जूल का वर्क किया, तो यहाँ पर 2 वोल्ट आया 1 कूलम चार्ज लाने के लिए, 2 वोल्ट आया, तो बीच में जो डिफरेंस आया वो 1 वोल्ट का आया, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का, तो पी डी है 1 वोल्ट का। तो अब यही डेफिनेशन में है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए सर्किट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है वर्क डन, सही है, टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपने मैकेनिकल उससे आपने फ्रिक्शन किया और उससे वो फ्रिक्शन से वो हीट में कन्वर्ट हो गया, तो उससे क्या हुआ, 1 कूलम जो चार्ज है 1 कूलम पासेस फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है, उससे 1 कूलम का चार्ज, तो 1 कूलम का चार्ज मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, क्लियर है, ठीक। अब उससे आगे चलते हैं, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए इलेक्ट्रिकल सेल इज 1 वोल्ट, देन 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलम ऑफ चार्ज। तो अभी तक तो हम यहाँ उन पार्टिकुलर पॉइंट को समझा रहे थे, अब अगर हम सेल की बात करें, अगर एक सेल है यहाँ पर, तो सेल का ये मैं सिंबल बना देता हूँ, तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ठीक है, तो ये जो सोर्स है इलेक्ट्रिकल सेल जो है ये क्या करेगा, 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सही है, वो ट्रांसफ़र करता है जो भी आपका, अगर यहाँ पर कोई कंडक्टर है, अगर मैं इसको इस तरह यहाँ पर एक कंडक्टर बना दूँ, यहाँ पर मैंने एक कुछ लोड लगा दिया, चलो बल्ब लगा दिया इधर, ठीक है, तो 1 जूल की पोटेंशियल एनर्जी देगा ईच ऑफ कोलाम ऑफ चार्ज। तो यहाँ कंडक्टर है, यहाँ पर आपके बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, तो उसमें जो चार्ज बनेगा, तो जो चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, सही है, यहाँ पर जो चार्ज मूव करेगा, तो हर एक कोलाम को, सही है, हर एक कोलाम ऑफ चार्ज को वो 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी देगा। तो कितने भी यहाँ पर हो सकता है कि पूरे अगर देखा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाएँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 कोलाम है, सही है, तो हर एक कोलाम को, यानी 4 कोलाम है, तो हर एक कोलाम को, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर 4 जूल एनर्जी देगा, नहीं, हर एक कोलाम को, यानी 1 कोलाम को, ठीक है, कितनी एनर्जी दे रहा है, 1 जूल की, सही है, तो 4 कोलाम बने तो 4 को अलग अलग 1 जूल की एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो पहले वाले कोलाम, पहले फर्स्ट कोलाम मान लो इधर आया, सेकेंड कोलाम यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर इतने, मतलब कोलाम से मतलब है यहाँ पर चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर भी आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि, हाँ, तो यहाँ से जो 1 जूल का जो एनर्जी दी 1 कूलाम को, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दी, जितने यहाँ पर उतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है हमें, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाले में जरूरत पड़ रही थी, सही है, तो 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, क्लियर है, उतने सारे उनको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। फिर उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी पास करेंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर वो एनर्जी पास करेंगे इसको और वो एनर्जी पास करेंगे इसको, ठीक है, तो 1 जूल जो है
यहाँ पर भी 1 जूल एनर्जी पास हुई, यहाँ पर भी 1 जूल और यहाँ पर भी 1 जूल और यहाँ पर भी 1 जूल, बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, और ये जो होता है ये जब भी सर्किट पूरा होगा तो पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और सभी में पास साइमल्टेनियसली होगी, ठीक है? ये नहीं कि आपने यहाँ पास किया और उसके बाद यहाँ होगा, तो ये साइमल्टेनियसली होता है, ये इसको पास करेगा स्पीड ऑफ लाइट, सही है? जो स्पीड ऑफ लाइट है उसी उसी मतलब स्पीड से जो चार्ज है 1 जूल जो सॉरी जो एनर्जी है वो पास होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो इस पर आप मेंशन करें, ठीक? और अदरवाइज लाइक करें मेरा चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए, थैंक यू।